हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो में मैं लेडीज़ को जो कमर दर्द रहती है ना, जिनको स्लिप डिस्क नहीं भी है उनको भी कमर दर्द रहती है, तो उन्हीं से रिलेटेड मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ कि एक चीज़ से आप कितना अपने आप को रिलीफ दे सकते हो। और ये एक झाड़ू है और जो नॉर्मली लेडीज़ घर में यूज़ करती हैं, ठीक है, तो ये नॉर्मल साइज़ की है, 1 मीटर के लगभग होती है, 1 मीटर से थोड़ी सी ज़्यादा होती होगी बस। तो ये अगर हम लेते हैं तो इससे हमें झाड़ू लगाने में झुकना पड़ता है, ठीक है, नॉर्मली भी झुकना पड़ता है, मतलब जो ठीक ठाक हैं वो तो लगाते हैं झुक के या नीचे बैठ के, तो ऐसे में दर्द बन जाता है। और जिनका बड़ा घर है उनके लिए तो प्रॉब्लम है ही है ना। तो ये दूसरी मैं इसका ऑप्शन आपको दिखा रही हूँ, जो मैं दूसरी झाड़ू लेकर आई हूँ। तो ये झाड़ू जो है ये क्या करती है, ये इतनी लेंदी है, लगभग 1.5 से 2.25 मीटर के आसपास ये झाड़ू है, आप सामने से देख सकते हो। जो पहले झाड़ू दिखाया था वो 1 महीना पुराना है और ये दूसरा झाड़ू है। और ये झाड़ू जो है दोनों का प्राइस सेम है, 100 रुपीज़ की हैं दोनों। तो ये वाली झाड़ू आप देखिए, ये झाड़ू जो है ये इतनी लेंदी है कि आप सीधे स्ट्रेट खड़े रहेंगे ना तो आराम से आप झाड़ू लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है, मतलब स्ट्रेट खड़े होकर आपको झुकने का तो मतलब ही नहीं बनता है। तो इस तरह से अगर आप झाड़ू को लेते वक्त ध्यान रख लें कि आपकी कमर को कतई दिक्कत ना हो, मतलब झुकने से जो जिनको ऑपरेशन हो रखे हैं उनकी भी कमर में दर्द रहता है और जो नॉर्मल हैं उनको भी दर्द हो सकता है, तो उस हालत में अगर आप ये एक चीज़ अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज कर लेना तो आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो बस आपको सोच समझ कर ही चीज़ लेनी है, प्राइस सेम है, मैंने आपको बता दिए हैं, तो जब लेते हैं तो ध्यान रखें अच्छी मजबूत झाड़ू है और लंबी झाड़ू है। तो इस तरह की झाड़ू का यूज़ अगर आप करते हो ना तो आपको कमर दर्द बहुत हद तक आपका नहीं होने की गुंजाइश बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो आपको अगर झाड़ू लगानी है तो आप ध्यान रखें आगे से, जब भी झाड़ू लेते हैं तो लंबी वाली झाड़ू लें। लेडीज़ के लिए कह रही हूँ मैं कि आराम से खड़े खड़े झाड़ू लगा सकते हैं, और कहीं अगर बैठ के लगाने की बात आती है तो फिर नीचे कितना भी अंदर होगा ना तो झुकना नहीं पड़ेगा, आप आराम से बैठ के भी से अंदर से निकाल सकते हैं। तो ये आज की जो वीडियो है मैंने इसलिए बनाई है कि लेडीज़ को बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसमें से एक अगर चीज़ आपको हेल्प कर सकती है तो आप इसे यूज़ करें। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, कुछ लेडीज़ कह रही हैं कि भाई हम गर्दन झुका के रोटी बनाते हैं, रोटी बेलते वक्त गर्दन झुक जाती है, या फिर हम मतलब थोड़े थोड़े से छोटे छोटे काम हैं, सब्ज़ी काटने हो गए उसमें थोड़ी गर्दन झुकती है, तो वो आपको देखना है, आपकी जब आपको नीचे झुक के आप लगातार लगे रहेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आप एक बार देख लें, बेलें, उसके बाद गर्दन सीधी कर लें, तो ये आपके हाथ में है, आप कितना अपने आप को रोक सकते हैं गर्दन झुकाने से, ठीक है। अब मैं थोड़ा ही ना कहूँगी, मैं अगर कहूँगी कि नहीं आप कर लो कुछ नहीं होगा तो ऐसा नहीं है, आप जितना केयर करेंगे अपनी तो आपको उससे उतना ही जल्दी रिज़ल्ट मिलता है, गर्दन दर्द हो या कमर दर्द हो उसमें झुकाने से रोकना है। तो थोड़ा सा अगर देखना पड़ रहा है तो उस वक्त कर लें, लेकिन बाकी टाइम तो आप मेरे ख्याल से आगे सामने देखते हुए भी कर सकते हैं काम को। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें तो यकीनन आपको इससे रिलीफ मिलेगा। और बस आज के लिए इतना ही, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई है। आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर करें जिसको आपको लगता है इसकी ज़रूरत है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।